फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो वीडियो लाया हूं धमाल सा वीडियो, उसके मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, ये डीसी मोटर का वीडियो है और बहुत ही लोग हैं तो मैंने भी कुछ वीडियो भी नहीं करा, तो एक वीडियो तो बनता है। तो मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब बढ़ रहे हैं और आज का जो वीडियो है उसमें आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये डीसी मोटर 12 वोल्ट मोटर का वीडियो है, तो हम इस वीडियो में फैन बनाएंगे, छोटा सा स्मॉल वाला डीसी मोटर फैन। तो फ्रेंड्स जो डीसी मोटर है वो डीसी मोटर आपको किसी भी ड्रिल मशीन के अंदर और वगैरह फ्लिपकार्ट में भी खरीद सकते हैं, कम रुपए में मिल जाएगा आपको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये है वो डीसी मोटर, आप देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट मोटर। ये इसको हम 100 रुपीज में मिल जाएगा, 50 रुपीज में मिल सकता है, ये किसी भी दुकान वगैरह में रेफरेंस के मिल जाएगा। तो इसे हम अभी फेंक देते हैं और देखते हैं इसका प्रोपेलर। ये जो प्रोपेलर है ये प्रोपेलर आपको किसी भी छोटे वाले रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर से मिल जाएगा, छोटा सा एवी क्वालिटी का प्रोपेलर है, ये आपको किसी भी हेलीकॉप्टर से मिल जाएगा, इसको भी फेंक देते हैं। तो जो हमारा वीडियो टॉपिक बनेगा ये तो एक स्मॉल डीसी मोटर का छोटा सा फैन, तो ये आप कोई भी आसानी से बना सकते हो, ये सिंपली होममेड है। तो आपको ठीक से वीडियो को कटना मत, पॉज और पूरे वीडियो को देखना लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो कुछ कुछ बातें आपको छूट जाएगी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आगे वीडियो पे तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए पहले बता देता हूँ। ये जो ग्लू गन है ये तो हमको ग्लू देने में काम आएगा, इसको साइड में रख देते हैं। एक डीसी 12 वोल्ट मोटर, एक डीसी 12 वोल्ट मोटर जिसको आप किसी भी दुकान वगैरह में मिल जाएगा, और डीसी मोटर को भी साइड में रख देते हैं हम, ये इसका काम भी आपको बता दिया। और एक प्रोपेलर, ये प्रोपेलर आपको किसी भी हेलीकॉप्टर में मिल जाएगा, छोटा सा हेलीकॉप्टर, इसको भी साइड में रख देते हैं, देखिए इस साइज का। और एक पेन, ये होगा इसका स्टैंड, ऐसे मोटर को हम चिपका पे यहाँ पे रखेंगे, ये चिप नहीं चिपकेगा, इसलिए ये ब्लैक टेप का रोल जो है ये रोल हम यहाँ पे लगाएंगे, रोल को ऐसे करके अंदर देंगे, इस रोल के यहाँ पे चिपका देंगे। तो वो सब मैं वीडियो पे दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसा चाहिए एक और एक 12 वोल्ट चार्जर, इसको आप किसी भी सेटअप बॉक्स में और किसी भी डिवाइस में मिल सकता है, देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जर है, 1 वाट का है आउटपुट। और ये गैस लाइट, इससे आपको आग जलाना होगा, फिर पेन को गलाना, उसको ग्लू की तरह गलाना होगा। तो और एक इसको स्टैंड, इसके ऊपर ही रहेगा हमारा मॉडल अच्छा सा। तो चलिए इसको बनाते हैं अब, तब इसको हम अब बनाएंगे। तो ये जो सारे चीज लगते हैं, ये चीज आप पहले सारे सामान को एक गट्ठा करिए, फिर वीडियो को करते जाइए। तो हम वीडियो को भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम चिपका लिया है यहाँ पे ग्लू से, यहाँ पे देख सकते हैं इसको पिघला के यहाँ पे हमने चिपका लिया इसको, ये देखिए। यहाँ पे फिर से ग्लू गन से ग्लू करना पड़ेगा, तो हमने ग्लू गन को हिट्स करने में रख दिया है, ये अभी हिट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे लाल बत्ती सी जल रही है, इसका लाइट एलईडी जल रहा है, तो ये हिट हो रहा है अभी, तो कुछ देर इसको हिट होने में रख देते हैं। एकदम से हिट हो चुका है, देख सकते हैं ग्लू थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो अब हम उसको देखते हैं ग्लू चिपका के, बहुत सारे इस तरह से इसे चिपका लिया है, ये बहुत अच्छे से चिपक गया है, आप भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स ठीक से कैमरे में आ नहीं रहा। फ्रेंड्स इस मोटर को इसके ऊपर हम कैसे सेट करेंगे वो अब हम आपको दिखाएंगे। तो कैमरा हमारा थोड़ा सा लड़ रहा है, वो तकलीफ। ये जो देख रहे हैं ब्लैक टेप का सेल, तो इससे ही हम चिपकाएंगे कैमरा से, ये सॉरी कैमरा बोल दिया, मोटर को इस पेन से।
तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा फेबिक्विक। फेबिक्विक तो हम ये रहे ला चुके थे पहले ही, एक बार मैं इसको बना चुका था पर वीडियो नहीं बना पाया, उसके टाइम नहीं था मेरे पास इसलिए। तो ये देखिए फेबिक्विक है ये, तो इसको हम इसके ऊपर नहीं देंगे अभी, अभी हम इसको लाइटर से पहले जला के एक बार चेक करेंगे चिपका के, चिपक रहा है कि नहीं। नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा तो उससे ही ट्राई मारना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देर बाद आराम से चिपक जाएगा। हमारा गन ग्लू का हमने मतलब बना लिया, इसको मैंने ग्लू से चिपकाना पड़ा यहाँ पे, आप देख सकते हैं धीरे ठीक से कैमरे में देखा, ये देखिए ग्लू से चिपकाना पड़ा इसको, फेविक्विक से नहीं चिपक रहा था और ये मजबूती से चिपक गया है। अब इसके मोटर हम डाल लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके मोटर को हमने डाल लिया अंदर। अब इसको एक फैन का शेप देने में कुछ ही देर बाकी है, फिर ये फैन रेडी हो जाएगा हमारा। तो इसको हमें पहले ब्लैक, इसको जो आप देख रहे हैं ना ये ब्लैक टेप से इसको चिपकाना पड़ेगा, इसके तार को यहाँ पे पहले ऐसे करके ब्लैक टेप को फिर ठीक तरह से काट के ऐसे करके अब हम इसको ब्लैक टेप पे चिपका लेंगे, इसको ऐसे लेके फिर चिपक लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप घर पे भी बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाने में, ये बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा डीसी मोटर से फैन है, प्रोपेलर को ऐसे लगा सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा मोटर रेडी हो चुका है चलने के लिए। तो इसको यहाँ पे भी एक टेप से चिपका देते हैं। तो हमारा मोटर हो गया रेडी, अब जिस वायरों को चार्जर से कनेक्ट करना पड़ेगा तो चार्ज बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको चार्जर से कनेक्ट करके इसको इस चार्जर से हम कनेक्ट करके चलाएंगे। ये जो चार्जर देख रहे हैं आप, ये 12 वोल्ट का डीसी वाला चार्जर है, डीसी 1 वाट। इसके जो ये जो अडेप्टर का ये जो वायर का जो कॉर्ड है ना, इसके अंदर पे जो होल दिख रहा है वो प्लस और बाहर वाला माइनस, तो हमारे माइनस को अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि मोटर के प्लस माइनस को मैंने गलत तरीके से लगा दिया, इसलिए इसको इसके अंदर ऐसे लगाना पड़ेगा। लगा दिया हमने तो, और इसको इसके बॉडी के साथ टच करना होगा। तो अब इसको हम चार्जर से जब कनेक्ट करेंगे तभी हमारा चार्जर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे हमने कनेक्ट कर दिया चार्जर को बोर्ड से घर के। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये वायर, इसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इसको ऐसे ब्लैक टेप को थोड़ा सा कट करके, ब्लैक टेप को थोड़ा सा कट करके इस वायर को यहाँ पे लगा के ऐसे तरीके से आप इसको ब्लैक टेप से मोड़ देना। तो फ्रेंड्स हमारा काम हो गया। अब ये बहुत ही सिंपल तरह से आपका एक मॉडल का फैन बन चुका है, अब देख लीजिए ठीक से। तो हम सब चीज़ों को साइड में रख के स्विच ऑन करने से ही ये चलेगा। ये देखिए घूम रहा था, ये गिर गया, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया हमारा मॉडल का फैन। तो इसको हम चलाएंगे।
अच्छी तरीके से चल रहा है, हमारा वीडियो हो गया सक्सेसफुल, वीडियो को अच्छा लगा है तो कर दीजिए एक लाइक, बहुत अच्छी से चल रहा है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, साउंड इसका सुन सकते हैं कैसे स्पीड से चल रहा है। बहुत ही अच्छा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को करा नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जब बनता है फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स तो आप जिस भी तरह से घर से बना सकते हैं आसानी तरीके से, तो बाय। तो फ्रेंड्स ये जो बहुत अच्छा तरीके से फ्रेंड है तो इसको लाइक सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स, तो लाइक फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब कर देना फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स और सब्सक्राइब तो बनता है भैया। तो फ्रेंड्स तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा सायोनारा फ्रेंड्स, बाय बाय।